रिसेंटली बहुत सारे डिवोटीज ने कॉमन क्वेश्चन पूछा है कि हमारे भगवान श्री कृष्ण के नाम का सही स्पेलिंग एंड प्रोनाउंसिएशन क्या है। अगर आप हरे कृष्ण की जगह हरे कृष्णा बोलेंगे तो क्या हमारा प्रेयर द्रौपदी को चला जाएगा? इसी के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। आज के डेट में हमारे पास भगवान के बारे में जितना भी इंफॉर्मेशन है मोस्टली वो महामुनि वेदव्यास जी की वजह से है, चाहे वो भगवद गीता हो चाहे वो महाभारत हो। उन्हीं का लिखा हुआ एक टेक्स्ट है व्यास संहिता, उसमें इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि ध्रुपद राजा की पुत्री द्रौपदी का एक और नाम था, वो नाम था कृष्ण प्रिया, कृष्णा नहीं। ऐसा कोई भी स्पिरिचुअल टेक्स्ट नहीं है जहाँ पे द्रौपदी को कृष्णा करके संबोधन किया गया है, तो इसलिए ये तो कन्फ्यूजन आप लोग निकाल दीजिए। सेकेंडली, हमारा देश इतना डाइवर्स है, कितने सारे लैंग्वेजेस हैं, प्रोनाउंसिएशन में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस तो आ ही जाते हैं। कुछ लोग कृष्ण बोलते हैं, कुछ लोग कृष्णा बोलते हैं, कुछ लोग कृष्णो बोलते हैं। तो भगवान को किस नाम से पुकार रहे हैं उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है किस भाव से पुकार रहे हैं, आपके अंदर कितना प्यार है, आप कितनी श्रद्धा से पुकार रहे हैं, कितना समर्पण है। नेवर्थलेस, अगर स्टिल इफ यू वॉन्ट टू नो वॉट इज द मोस्ट नियरेस्ट स्पेलिंग एंड प्रोनाउंसिएशन, देन यू कैन नोट इट। As per Vyasa Sanghita, it is K-R-S-N-A is the most closest spelling. R हमें mention करना है, वो Vyasa Muni ने भी mention किया है. R यानि R stands for Radha Rani. जहाँ पे कृष्ण है वहाँ पे राधा रानी है, जहाँ पे राधा रानी है वहाँ पे कृष्ण है. However, आप लोग किसी भी तरीके से भगवान को बुला सकते हैं, आप कृष्ण बोल सकते हैं, आप कृष्णा बोल सकते हैं, आप कृष्णा बोल सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, मन को साफ रखिए और पूरी श्रद्धा के साथ प्रेयर करिए, हरे कृष्णा।